क्या देखा, बहमनी किंगडम की स्टार्टिंग कैसे हुई और उसके पीछे ये जो बहमन शाह टाइटल था वो कैसे आया। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट सुल्तान्स ऑफ बहमनी किंगडम या बहमनी सल्तनत। सल्तनत कहिए किंगडम कहिए बात वही है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट जो है उसका नाम है, अभी हमने लिखा अबुल अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। थर्टीन फोर्टी सेवन टू 1358। तो देखिए अभी क्या है, बिल्कुल शुरुआती दौर है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल शुरुआती दौर है, स्टार्टिंग फेज है। और स्टार्टिंग फेज में क्या होगा, जो पहला राजा बनेगा उसको उसका मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड होगा, चीज़ों को मैनेज करने में, सल्तनत को संवारने में। ठीक है, और ये भी जो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या अलाउद्दीन बहमन शाह जो भी कहिए, ये क्या था, ये भी तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में ही तो था, अफगान नोबल। तो अगर आप राजा बन रहे हो तो बहुत से लोग अभी भी दिल्ली सल्तनत के या कहे कि मोहम्मद बिन तुगलक के वफादार तो रहे ही होंगे। तो उस वक्त क्या होगा, बहुत से लोग इसके अभी इसका टाइम लोगों को मैनेज करने में ही जाएगा। ठीक है, तो चाहिए तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू मैनेज द सल्तनत, टू मैनेज द सल्तनत। कैसे, तो लिखिएगा ही क्रश्ड द रिफ्रैक्टर, ही क्रश्ड द रिफ्रैक्टर चीप्स, क्रश्ड द रिफ्रैक्टर चीप्स, यानी जो लोग अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पहले उनको क्रश किया। ठीक, ही क्रश्ड द रिफ्रैक्टर चीप्स एंड ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज रेन एंड ड्यूरिंग हिज रेन एक्सटेंडेड ड्यूरिंग हिज रेन एक्सटेंडेड द किंगडम फ्रॉम वेन गंगा टू कृष्णा एंड फ्रॉम गोवा एंड दभोल टू बोंगीर। तो ये क्या है, ये पूरी तरह से इसने किंगडम एक्सपेंशन किया। अब देखिए, वेन गंगा से कृष्णा, गोवा एंड डभोल DABHOL डभोल टू भोंगीर BHONGIR भोंगीर। ये क्या है, वेन गंगा टू कृष्णा, नॉर्थ टू साउथ और ये ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, अब इतना इसने एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन में
ये भोंगीर मतलब दौलताबाद का एरिया है, भोंगीर क्या है, दौलताबाद, ठीक है, या सॉरी भोंगीर टू दौलताबाद, तो ये गोवा से इधर से इधर तक, यानी ईस्ट से वेस्ट मानिए, ईस्ट से वेस्ट, ये ईस्ट वाला हिस्सा है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब अगर आप ये देखो कि ये कृष्णा रिवर तक आ गया, देखिए क्या है, वेन गंगा टू कृष्णा, और कृष्णा रिवर क्या है, विजयनगर की भी बाउंड्री है, हमने देखा था, पढ़ा है कि मैक्सिमम टाइम कृष्णा रिवर क्या है, विजयनगर कृष्णा रिवर के साउथ में था। तो अगर एक किंगडम कृष्णा रिवर तक है और दूसरा विजयनगर भी कृष्णा रिवर तक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से ही स्टार्टिंग से ही बहमनी और विजयनगर के बीच में क्या रहा, कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। क्यों? क्योंकि ये कृष्णा रिवर को पार करके तुंगभद्रा और कृष्णा डवाब को कंट्रोल करना चाहेंगे, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तुंगभद्रा और कृष्णा डवाब को विजयनगर अम्पायर कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि इसी के टाइम से विजयनगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट या एक तरह से कन्फ्रंट्रेशन शुरू हो चुकी थी विजय नगर के साथ। तो इस पॉइंट को यहां पर लिख लीजिए, ही हैड रेगुलर कन्फ्रंटेशंस विद द विजयनगर किंगडम एंड वारंगल, और इधर जब वेस्ट में गया तो वारंगल, तो इसका कृष साउथ में आया तो विजयनगर और वेस्ट की तरफ बढ़ा तो वारंगल, दोनों के साथ इसी के टाइम से कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही एडॉप्टेड द फ्यूडलिस्टिक, ही एडॉप्टेड द फ्यूडलिस्टिक पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि भाई उस वक्त यही चीज़ तो कॉमन थी, नया कुछ कोई लाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो पता नहीं सफल होता नहीं था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत सी नई चीज़ें लाने की कोशिश किया लेकिन सक्सेस नहीं मिली, तो ये भी कुछ नया नहीं किया इसने भी, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया कैसा बनाया, फ्यूडलिस्टिक वाला ही बनाया, जो अभी तक कॉमन सबके साम्राज्य में चल रहा था, और इसका नतीजा इसको भुगतना भी पड़ेगा, इसको क्या, इस किंगडम को, बाद में ये किंगडम भी टूट जाएगा इसी फ्यूडिस्टिक नेचर की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए ही डिवाइडेड द किंगडम, ही डिवाइड द किंगडम इंटू फोर तरफ्स और प्रोविंसेज। तो हम जो प्रोविंस कह रहे हैं इसको ये अपने लैंग्वेज में क्या कह रहा है, तरफ कह रहा है, क्या कह रहा है, तरफ। हम हिंदी में प्रांत कह रहे हैं, इंग्लिश में प्रोविंस कह रहे हैं, तो ये पर्शियन में क्या कह रहा है, या अरेबिक में तरफ कह रहा है, क्या कह रहा है, तरफ। तो इसके मतलब कि अगर मान लीजिए ये साम्राज्य है तो इसने इस पूरे साम्राज्य को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, हमारे लिए एक जो है, वहाँ ये प्रोविंस P1 है, ये प्रोविंस P2 है, ये प्रोविंस P3 है, प्रोविंस P4 है हमारे लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इसके अरबियन और पर्शियन लैंग्वेज ने क्या कहा, नहीं ये तरफ 1 है, ये तरफ 2 है, ये तरफ 3 है, ये तरफ 4 है, मीनिंग वही है, नाम
बदल गए, लैंग्वेज के हिसाब से क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आई बात? हाँ, जैसे इंग्लिश में विलेज तो हिंदी में गांव, तो संस्कृत में ग्राम, यही होता है ना। हमने अंग्रेजी में प्रोविंस कहा, हिंदी में प्रांत कहा, तो इसी तरह से इसने क्या कहा, तरफ कहा, चार तरफ यानी चार हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि प्रोविंसेज में। कौन कौन से प्रोविंस थे लिखिए, गुल बरगा दौलता बाद बीदर एंड बेरार, ये चार प्रोविंस बनाए, ठीक। एंड असाइंड दौलत, गुलबर्गा दौलताबाद बीदर बेरार, बीरार GULBARGA, गुलबर्गा दौलताबाद बिदर BIDAR बिदर और ये बेरार, एंड असाइंड देम टू हिज लॉयल आमीर्स और गवर्नर्स। तो प्रोविंसेज के लिए हम लोग गवर्नर कह रहे हैं, और इसने तरफ बनाए तो तरफ के लिए इसने अपनी लैंग्वेज में गवर्नर्स को क्या कहा, आमीर्स कहा। कि एक जैसे गुलबर्गा, अब हम कहेंगे गुलबर्गा एक प्रोविंस बना, इसने कहा नहीं, गुलबर्गा एक तरफ है, हमने कहा गुलबर्गा प्रोविंस बना जिसका गवर्नर कोई होगा, इसने कहा नहीं, गुलबर्गा एक तरफ है और उसका एक आमीर होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट इसने और क्या किया लिखिए, इन रिटर्न आमीर्स वेयर रिक्वायर्ड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस टू द किंग। In return, armies were rendered military service to the king, यानी कि to the sultan। तो भाई ये तो हमने feudal system में देखा ही था कि जो feudals होते थे वो feudals क्या करते थे, sultan को या king को या राजा को military service देते थे। कि राजा अपनी बहुत बड़ी standing army नहीं रखता था, अपनी एक अपने प्रोविंस को अपने कैपिटल को संभालने भर की आर्मी रखता था, बाकी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता था, अपने आमीर्स अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता था। यही तो थे फ्यूडेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, तो वही यहाँ पर भी है। तो लेकिन यहाँ पर उन फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या कहा जा रहा है, आमीर्स कहा जा रहा है। तो कहा गया कि तुमको हम वहाँ का आमीर बना रहे हैं, यानी कि तुमको हम गुलबर्गा तरफ यानी गुलबर्गा प्रोविंस का आमीर बना रहे हैं, यानी कि वहाँ का गवर्नर बना रहे हैं, और तुम अपने प्रोविंस को संभालने के लिए एक आर्मी मेंटेन करोगे, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम वो आर्मी लेकर हमारे लिए भी कैंपेन करने आओगे, यानी वॉर में तुम हमारी तरफ से अपनी आर्मी के साथ पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बहमन शाह सिक्योर्ड रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन ऑफ हिज पोजीशन, हिज पोजीशन एज सुल्तान फ्रॉम द इजिप्टियन, फ्रॉम द इजिप्टियन कैलिफ इन 1356। तो इसने क्या किया, अपने आप को खलीफा से भी क्या ले लिया, रिकॉग्निशन ले लिया। और ये हमने देखा था कि कैलिफ जो था क्या था, वो इस स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक स्टेट का, और जो भी सुल्तान होता था वो वहाँ से अपना रिकॉग्निशन लेता था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, उसको नहीं मिला था, इस वजह से उसके नाम का कतबा नहीं पढ़ा गया, उसके नाम के सिक्के नहीं चले। इल्तुतमिश ने लिया, तो इल्तुतमिश सुल्तान बना, कतबा किया, सिक्का चला, लेकिन अब दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर एक दूसरी सल्तनत भी इंडिया में आ गई, बहमनी सल्तनत। कैसे, क्योंकि बहमन शाह ने खलीफा से रिकॉग्निशन ले लिया। अगर ये रिकॉग्निशन नहीं ले पाता तो सल्तनत होती नहीं, सुल्तान बनता नहीं तो सल्तनत नहीं बनती। तो अब इंडिया में क्या हो गई, दो मुस्लिम सल्तनत हो चुकी है, एक दिल्ली सल्तनत और एक बहमनी सल्तनत। अभी तक इंडिया में एक ही मुस्लिम सल्तनत थी, इस्लामिक सल्तनत, और वो थी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत। लेकिन 1356 के बाद से क्या हो गई, दो सल्तनत हो गई। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब बहमन शाह ने खलीफा से रिकॉग्निशन ले लिया तो अब इंडिया में दो मुस्लिम सल्तनत हो गई, एक सल्तनत दिल्ली सल्तनत जो 1206 मोहम्मद बिन गौर सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से शुरू हुई, और दूसरी 1356 में बहमन शाह के द्वारा बहमनी सल्तनत। अगर ये इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो ये सुल्तान नहीं बनता, तो सल्तनत नहीं बनती। समझ में आ रही बात, हाँ। इसी वजह से हम इसको पूरी तरह से क्या कह रहे हैं, बहमनी सल्तनत कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको रिकॉग्निशन मिल चुकी थी एज ए सल्तनत। एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए ही लेड हिज, he led his first campaign, he led his first campaign against Warangal, against Warangal in 1315 CE. कौन, बहमन शाह। बहमन शाह अपना फर्स्ट कैंपेन किसके खिलाफ कर रहा है, वारंगल के खिलाफ, एंड फोर्स्ड इट्स रूलर, फोर्स्ड इट्स रूलर कप्पया नायका टू सीड to him, to cede to him the Kapaya, Kapaya Nayaka, Nayaka, Kapaya Nayaka, to cede to him the fortress of Kaulas. ये वारंगल का एक किला था, उस किले को बहमनी किंगडम के राजा बहमन शाह ने एक्वायर यानी कब्जा कर लिया, इसको हरा कर, वारंगल के राजा को हरा कर। तो पूरे वारंगल पर कब्जा नहीं किया, उसके एक फोर्ट्रेस यानी एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, ठीक। तो ये इतनी कहानी है बहमन शाह की। तो बहमन शाह के बारे में इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है,
कि इसने भी फ्यूडेटरी सिस्टम को ही अपनाया, इसने पूरे किंगडम को चार तरफ से डिवाइड किया। तरफ कौन कौन से? तो गुलबर्ग, दौलताबाद, बिदर, बेरार, और सभी तरफ के गवर्नर्स बनाए गए, यानी सभी प्रोविंसेस के गवर्नर बनाए गए, जिनको कहा गया आमिर्स। और ये आमिर्स क्या करते थे, इसको क्या कहते थे, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। इसने अपने आप को खलीफा से भी रिकॉग्निशन लिया था, और इस तरह से इसने एक बहुत बड़ा बहमनी अम्पायर बनाकर डेवलप किया। और अंत में इसकी डेथ के टाइम पर जो एक्सटेंशन था बहमनी सल्तनत का, वो कहाँ से कहाँ, तो वेन गंगा से कृष्णा और गोवा एंड दाभोल से लेकर भोंगीर तक, इतने बड़े एरिए में इसने पूरा का पूरा बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश कर चुका था, और इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो ये कहानी है अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं यहाँ इसको रब कर रहा हूँ।